हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में अगेन हम बात करेंगे 10 एमसीक्यू क्विज की। मतलब ये क्विज है जिसमें हम लोग 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ये सभी क्वेश्चंस डिपेंड होंगे करंट अफेयर्स पर, और ये सभी क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इसलिए आप भी इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ अटैम्प्ट करिएगा। कुछ इस तरह से अटैम्प्ट करिएगा कि आप रियल एग्जाम में बैठे हैं। जितना अपना 100% दे सकते हैं एक क्वेश्चन पे, उतना दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगेन इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा अंत में इसी से संबंधित एक क्वेश्चन, जो आप देखेंगे अभी क्वेश्चंस, उसी में से एक क्वेश्चंस वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगा। तो 151 है आपका डैश, और डैश द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पर एरोसॉल का पता लगाया गया है इसरो नासा के द्वारा, JACA या फिर CNSA के द्वारा, एंड AEMIA के द्वारा, और रॉसकॉस्मोस और CRTS, इनके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हुआ है कि एशिया पर एरोसोल का पता लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इम्पॉर्टेंट भी है दोनों ही, और न्यूज़पेपर में काफ़ी हाईलाइट रहा था ये, और न्यूज़ में भी शायद आपने सुना होगा अगर आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं तो। 151 का राइट आंसर आपका इसरो और नासा दोनों ने प्रकाशित एक रिपोर्ट करी थी। उनकी रिपोर्ट ये कहती थी कि एशिया पर एरोसोल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 152। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत उन डैश देशों में शामिल है जहां प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले पोजीशंस पे है, सेकंड पे, फोर्थ पे, थर्ड पर, या फिर फिफ्थ पर। 152, तो 152 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका फोर, तीसरे स्थान पर है जहां पर क्या है, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है 153। डैश द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत सबसे बड़ा रिटेल गंतव्य है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, डेलाइट, KPMG, रोलैंड बर्गर एंड एटी करनी। तो बताइए 153 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो 153 का राइट आंसर रहेगा आपका 5, मतलब एटी केरनी। 154, 2019 फीफा महिला वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी या फिर इटली। 154 राइट आंसर आपका फ्रांस। अगला क्वेश्चन 155, किस मंत्रालय ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2017 को स्वीकृति दी है। वित्त, गृह, कानून, सूचना और प्रसारण, वाणिज्य और उद्योग। 155 राइट आंसर थर्ड, सूचना एवं प्रसारण उद्योग ने इस बिल को स्वीकृति दी है। 156 है, भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर। 156 राइट आंसर है इसका सेकंड, न्यू दिल्ली। अगला है 157, किस देश ने इंटरनेट कॉलिंग एप्लीकेशंस को अनवरोधित करने की घोषणा की है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ओमान, वेनेजुएला, रूस। 157 राइट आंसर सेकंड, सऊदी अरब। 158, केंद्र सरकार ने भारत सरकार के 17 प्रेसों मतलब GIP के डैश GIP में विलय और आधुनिकीकरण को स्वीकृति दी। 6, 4, 3, 5, 9, ये हैं आपके सही ऑप्शंस, कोई एक चूज करना है आपको। तो 158 का राइट आंसर आपका 9, मतलब 5 ऑप्शन हमारा सही रहेगा यहाँ पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159। जना मुस्तफा, जिन्होंने UNHCR नानसेन रिफ्यूजी पुरस्कार जीता, किस देश के निवासी हैं, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, रवांडा, बरुंडी, मिस्र।
159. राइट आंसर फर्स्ट, नाइजीरिया. 160. देखिए इसी तरह से आपको स्पीड में क्वेश्चन पढ़ना भी है और अपना राइट आंसर देना भी है, ठीक है. मुझे पता है कि मेरी स्पीड बहुत फास्ट है पढ़ने की और आपको भी अपनी स्पीड फास्ट रखनी है. क्वेश्चन नंबर 160. भारत सरकार ने घोषणा की है कि सभी पीयर टू पीयर लैंडिंग मतलब पी टू पी प्लेटफॉर्म को डैश द्वारा विनियमित किया जाएगा. फर्स्ट है आपका RBI, सेकंड SEBI, थर्ड BBB, फोर्थ IBBI, फिफ्थ है आपका FMC. तो 160 का राइट आंसर फर्स्ट, RBI. तो फ्रेंड आज के इस वीडियो को मैं बस केवल यही अंत करता हूँ. और आपके कोई भी क्वेरी होती है आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और सैटरडे को आप मुझे 1 PM टू 3 PM कॉल भी कर सकते हैं, ये नंबर आपको ऑन मिलेगा. लेकिन क्वेरी काम की होनी चाहिए, पढ़ाई से संबंधित होनी चाहिए. आप प्लीज़ क्वेरी में ये मत पूछिएगा कि जियो का रिचार्ज कौन सा बेस्ट है, क्योंकि कुछ ऐसे खुराफाती मुझे कमेंट्स वगैरह आते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप पर. तो मैंने नंबर ये लिया है केवल केवल आपके लिए. अगर इसमें कुछ इस तरह से कमेंट्स आएंगे तो शायद मैं नंबर अपना बंद कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है अननेसेसरी टाइम पास करने का. तो फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज़ जरूर शेयर करिएगा विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड व्हाट्सअप. व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग होंगे, वहाँ पे इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. तो फ्रेंड आज का पूछता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन इसी वीडियो में जो आपने देखा होगा. मुझे भेजिए अपना फाइनल स्कोर कि आपने 10 में से आपका कितना स्कोर आपका रहा और अभी जो क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रहा हूँ उसका राइट आंसर क्या है. तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. नाउ भारत पर्यटन विकास निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैंने अभी आपको बताया था इसका राइट आंसर. तो अगर आप इसका आंसर जवाब सही नहीं दे पाते हैं तो समझ जाइए कि आपने कितने तरीके से इस वीडियो को देखा. अगर आपने तरीके से वीडियो को नहीं देखा, आपको इसका आंसर नहीं आता, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार और प्ले करिएगा. पिछले जो भी क्वेश्चंस आपके पेंडिंग रह चुके हैं, 150 क्वेश्चंस आपके पेंडिंग है, तो ये सभी वीडियो मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में. वहाँ पर क्लिक करिए और वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजेंगे. बाय बाय, टेक केयर एंड